हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हाउस एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब? तो आई होप सब ठीक होंगे, सब स्वस्थ होंगे, अच्छी हेल्थ होगी सबकी। बाकी गाइस, दिस इज पार्ट थ्री ऑफ योर CHSL जनरल अवेयरनेस क्वेश्चंस वीडियो। ओके, दो वीडियोस में ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर चुकी हूँ, ये आपका थर्ड पार्ट है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग आर टाइम। पहला क्वेश्चन लेते हैं। पंचशील एग्रीमेंट वॉज साइन बिटवीन विच टू कंट्रीज? ये जो पंचशील एग्रीमेंट है, ये आपका इंडिया और चाइना के बीच में जो है ये एग्रीमेंट जो है साइन हुआ था। ये कब हुआ था और ये पंचशील के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, 1954 में, 1954 में जो है इस एग्रीमेंट को पेश किया गया था। अब हुआ क्या था, पंचशील बेसिकली है क्या? देखो, आपको पता है जो चाइना और इंडिया जो है ये बहुत ही पुरानी सभ्यता है, बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है, और दोनों ही जो है बहुत ही पॉपुलेटेड कंट्रीज हैं। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है, बहुत पुराने टाइम से जब इनकी सभ्यता चली आ रही है, चाइना और इंडिया की, तो थोड़ा थोड़ा इंट्रैक्शन भी दोनों में होती आई है, चाहे वो किसी गवर्नेंस से रिलेटेड हो, किसी भी चीज से रिलेटेड हो, दोनों में जो है इंटरेक्शन होती आई है। ठीक है, अब क्या कहते हैं कि इनमें जो एक ट्रीटी जो है जो डिफाइन करती है चाइना और इंडिया के रिलेशन को, वैसे तो कई सारी ट्रीटीज जो है इंडिया और चाइना ने जो है साइन कर रखी है, लेकिन जो इनमें से एक ट्रीटी जो चाइना और इंडिया के रिलेशनशिप को डिफाइन करती है वो है आपकी पंचशील। ठीक है, और इसको किस नाम से भी जाना जाता है, पंचशील को? फाइव प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस। फाइव प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस। अब ये जो ट्रीटी थी ना ही, ये एक उस पे बेस्ड थी, क्या कहते हैं कि भाई कोई ट्रेड डील ना ही, ये कोई और डील थी, ये बेसिकली डील थी आपकी एक आइडियोलॉजी पे। ठीक है, ये ट्रीटी कहती है कि सेम आइडियोलॉजी जो इंडिया और चाइना कैरी करते हैं, उस आइडियोलॉजी पे ये ट्रीटी जो है बेस थी। अब क्या हुआ, 1949 में जो चाइना था, ठीक है, उसने अपने आपको सिंगल कम्युनिस्ट नेशन जो है घोषित कर दिया गया था, जिसको क्या बोलते थे आप, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। ठीक है, एक सिंगल कम्युनिस्ट नेशन कब घोषित हुआ था ये चाइना, 1949 में, और इसका जो है नाम पड़ा पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। अब 1950 में जो हमारा इंडिया है वो भी पूरी तरह से जो है आजादी पा चुका था, वैसे 1947 में पूर्णतः मिल चुकी थी इंडिपेंडेंस, लेकिन 1950 में पूरी तरीके से इंडिया को आजादी मिली हुई थी। और आपको ये भी पता है कि 1950 में वर्ल्ड वॉर 2 भी हुआ था, जिसमें दोनों देशों की एक अहम भूमिका जो है निभा रहे थे। ठीक है, अच्छा भूमिका निभाना चाहते थे, तो दोनों कहते थे 1950 में जो वर्ल्ड वॉर 2 हुआ कि हम जो है एक, हम दोनों का ही जो है, चाइना और इंडिया दोनों ही इतने सशक्त नेशन है कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, ऊपर गवर्नेंस की जरूरत नहीं है, तो अपने आप का बेसिकली आधिपत्य जो है एस्टैब्लिश करना चाहते थे दोनों ही नेशन। अब जो है ये नेशन, दोनों की आइडियोलॉजी सेम थी कि हम अपने आप में ही सशक्त नेशन है, किसी की हमें गवर्नेंस की जरूरत नहीं है, ऐसे ही चाइना बोलता था, ऐसे ही इंडिया, तो एक सेम आइडियोलॉजी थी। ठीक है, दोनों की, दोनों नेशंस की सेम आइडियोलॉजी थी, और इसी आइडियोलॉजी पे बेस्ड हमारा जो है ये पंचशील ट्रीटमेंट एग्रीमेंट साइन हुआ। बेसिकली इस टाइम में पंचशील जब एग्रीमेंट साइन हुआ तो काफी कुछ चीजें हुई, ये नेहरू जी के टाइम में हुआ था, और उस टाइम में क्या हुआ था कि चाइना जो है वो जब उसने अच्छे से अपने आप को सिंगल कम्युनिस्ट पार्टी का उसमें कर दिया था, तो जो हमारा तिब्बत वाला पार्ट जो चाइना में आता है, देखिए पहले जो तिब्बत का पार्ट था कुछ इंडिया में कुछ चाइना में था। अब चाइना ने क्या किया था उस टाइम पे, इन्होंने तिब्बत का काफी पार्ट जो है वो क्या कर लिया, अपने अंडर ले लिया। अब उस टाइम में नेहरू जी जो है उन्होंने ये एग्रीमेंट जो है साइन करा था पंचशील। अब नेहरू जी ने इस पे कोई भी एक्शन लिया नहीं पंचशील पे, और क्या बोला, मेन जो कहते हैं कि नेहरू जी ने बहुत गलत किया और ये पंचशील जो है हमें आज तक नुकसान इसलिए पहुंचा रहा है क्योंकि नेहरू जी ने उस चीज पे कोई भी एक्शन नहीं लिया। वहां पर जो PM थे हमारे उस टाइम, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने नेहरू जी को एक चिट्ठी भी लिख के दी थी कि जो हमारा चाइना है वो घुसपैठ करता जा रहा है इंडियन टेरिटरी में, और कुछ नेपाल के हिस्से और काफी जगह पे जो है उसकी नजर है, लेकिन जो है सरदार जी वो पहले ही मर गए थे, वल्लभ भाई पटेल, तो उसकी वजह से ये जो इनकी चिट्ठी थी ये आगे प्रोसेस नहीं हो पाई, इस पर ज्यादा ध्यान नहीं गया, अदरवाइज इन्होंने भी जो है बोला था। अब जो नेहरू जी थे उन्होंने बोला, एक तो उन्होंने ही हमारा काफी सारा जो है लैंड टेरिटरी कैप्चर कर ली, ठीक है, चाइना ने तिब्बत कैप्चर कर लिया, लेकिन फिर भी जो नेहरू जी हैं उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, प्लस उन्होंने चाइना के साथ क्या बोला,
कि हमारी चाइना के साथ इंडिया की दोस्ती में ही इंडिया की भलाई है, ठीक है? अगर हम चाइना के साथ दोस्ती करते तभी इंडिया की भलाई है, इसी में भलाई है। तो उस वक्त में ही इन्होंने क्या कर दिया, पंचशील ट्रीटी भी साइन कर दिया चाइना के साथ। अब ये क्या हुआ, वहां से इनके यहाँ से जो वहां से आते थे लोग तो उनका भी स्वागत अच्छे से होता था, नेहरू जी वहां जाते तो भी अच्छे से उनका स्वागत होता था, लेकिन कभी भी ये जो बाउंड्री का इशू है, हमारा लैंड टेरिटरी का इशू है, कभी भी वहां डिस्कस नहीं होता था। और तभी से जो है हमें चाइना के बारे में पता चलने लग गया। अब ये जो पंचशील ट्रीटी उन्होंने साइन कर दिया, नेहरू जी ने लेके आए, उसमें क्या था बेसिकली, ये पांच चीजें उन्होंने बोली, ठीक है? ये पांच चीजें क्या थी आपकी? पहला, म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टेरिटरी इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी, कि मतलब हम एक दूसरे की टेरिटरी इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी की म्यूचुअल रिस्पेक्ट करेंगे, सेम म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, दोनों तरफ से कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, कोई भी किसी के इंटरनल मैटर में जो है इंटरफेयर नहीं करेगा, और हम जो है ट्रेड होगा या कॉपरेशन म्यूचुअल बेनिफिट के लिए हम ये सब करते रहेंगे, और पीसफुली हम दोनों नेशंस जो है रहेंगे। अब हुआ क्या, जो आइडियोलॉजी बेसिकली थी, अब वो इन्होंने इस ट्रीटी के थ्रू अपनी एक साथ साइन कर दी, ठीक है? ये इसीलिए कहते हैं कि जो ये हमारा पंचशील एग्रीमेंट है, ये कोई इस तरीके का एग्रीमेंट नहीं, बेसिकली आइडियोलॉजी के ऊपर ही ये बेस्ड है। तो ये तो मैंने आपको कुछ वैसे पार्ट बताया कि ये क्या हुआ था, और तिब्बत का पार्ट जो था कि ये कैसे कैसे हमने, इन चाइना ने हमें पागल बना के जो है शुरू से ही हमारी इंडियन टेरिटरी पे इन्होंने नजर रखी है, बेसिकली ये बताने का मतलब था। और दूसरा, ये पंचशील क्यों नुकसान हमें कर गया, क्योंकि उस टाइम इन्होंने ये सब किया, ठीक है, हमारे यहाँ पर कब्जा कर लिया तिब्बत पे, प्लस नेहरू जी ने ये पंचशील एग्रीमेंट भी साइन कर दिया था उनके साथ। इसके बारे में एक नया अच्छे से टॉपिक बताना पड़ेगा आपको, कि तभी आपको समझ आएगा कि बेसिकली क्या क्या चीजें हुई थी। तो अभी आपको यहाँ जो जानने की और जरूरत है, पहली चीज कि उस टाइम में पीएम कौन थे, पीएम थे इंडिया में उस टाइम जवाहरलाल नेहरू, और वहां से किसके थ्रू ये साइन हुआ था, ये वहां के फर्स्ट प्रीमियर जो थे वो थे जो इनलाई, ZHOUENLAI, ठीक है? ये थे आपके चाइना के फर्स्ट प्रीमियर, और इन्होंने इस ट्रीटी के थ्रू दोनों कंट्रीज के रिलेशन को डिफाइन किया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और 1954 में जो है ये ट्रीटी साइन हुआ था दोनों नेशंस के बीच में। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। अब ये अर्थ के ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट की वैल्यू क्या होती है, ये है आपकी बड़ा जी, ठीक है? आपने एक सुना होगा, एक छोटा जी और एक ये बड़ा जी हम यूज करते हैं ना फिजिक्स में। तो ये जो स्मॉल जी है बेसिकली, पहले तो ये सुनो, ये होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है? ये है आपका 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये जो बड़ा जी है इसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, और इसकी वैल्यू है 6.67 × 10⁻¹⁻ न्यूटन पर केजी स्क्वायर मीटर स्क्वायर। ओके, अब एफ जो ये फोर्स लगता है, फोर्स यू टू ग्रेविटेशनल, ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला है आपका जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है? दो बॉडीज का जो मास और उनके बीच में जो रेडियस होता है, डिस्टेंस होता है, वो आर होता है, और जी होता है आपका ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। अब ये जो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, एक हमने एक एस्केप वेलोसिटी बनाई हुई है, आपसे एस्केप वेलोसिटी का भी वो पूछा जा सकता है, वो 10 होता है। अब इसमें क्या है, अगर आप एक स्टोन को थ्रेड बांधो, स्टोन को घुमाते रहो चारों डायरेक्शन में, ठीक है? अगर वो इस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की रेंज से बाहर निकल गया घूमते घूमते, तो वो बाहर जाके वापिस धरती पे नहीं आएगा और अपना स्पेस में पहुंच जाएगा। अब ये बोलते हैं हम कि उस टाइम में ग्रेविटी जो है उस पर इतना असर नहीं करेगी, अगर इस लिमिट से जो है वो स्टोन बाहर पहुंच जाए, ठीक है? कोई भी चीज इस लिमिट से बाहर पहुंच जाती है तो ग्रेविटी उस पर असर नहीं करती। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सुल्तान अजलान शाह कप वॉज हेल्ड इन विच कंट्री। देखिए, इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि पहली बार ये सुल्तान अजलान शाह कप कहाँ हुए थे, कौन सी कंट्री में, तो ये हुए थे आपके मलेशिया में, ठीक है? मलेशिया वॉज द फर्स्ट कंट्री जहां पर आपके एक जो है सुल्तान अजलन शाह कप होस्ट हुआ था। दूसरी चीज आपसे ये पूछी जा सकती है, सुल्तान अजलन शाह कप किस चीज के
किस फील्ड में दिया है, किस फील्ड के लिए होता है? तो ये होता है हॉकी के लिए, ठीक है, हॉकी के लिए। अब ये कब शुरू हुआ था टूर्नामेंट? ये टूर्नामेंट 1983 में मलेशिया में हेल्ड हुआ था। अब आपसे ये पूछा जा सकता है 2019 में कौन जीता या किस किस के बीच में हुआ था? तो 2019 में जो है आपका ये साउथ कोरिया एंड इंडिया के बीच में हुआ, ठीक है। देन 2018 में, 2018 में ये हुआ था ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया, ओके। ये आपसे पूछा जा सकता है। प्लस जो 2020 में होना था, 2020 में वो हो गया है कैंसिल बिकॉज ऑफ COVID-19। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। लेटराइट सॉइल इज रिच इन, लेटराइट सॉइल किस चीज में रिच होती है बताइए जरा मेरे को। ये देखिए, ये जो सॉइल होती है, पहले हम डिस्कस करते हैं कहाँ पाई जाती है ये फॉर्म होती है आपकी, फॉर्मेशन इसकी होती है हॉट एंड वेट, हॉट एंड वेट ट्रॉपिकल एरियाज में, ठीक है, ट्रॉपिकल एरियाज। अब ये हॉट एंड वेट ट्रॉपिकल एरियाज कौन से हैं बेसिकली? ये जैसे आपके वेस्टर्न घाट्स हैं, ठीक है, ईस्टर्न घाट्स हैं, वेस्टर्न घाट्स, फिर आपके ईस्टर्न घाट्स, दूसरा आपका क्या है, सदर्न पार्ट जो है महाराष्ट्र का। अब ये भी पूछा जा सकता है कहाँ पाई जाती है, तो ये इसका आंसर है, फॉर्म कहाँ होती है, पाई कहाँ जाती है, तो ये मैं आपको इसमें लिख रही हूँ, सदर्न पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। देन कर्नाटका, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा, इन जगहों पे जो है ये लेटराइट सॉइल पाई जाती है। अब आपसे पूछा गया है कि लेटराइट सॉइल इज रिच इन, तो लेटराइट सॉइल जो है रिच होता है किसमें? ये होता है आपका आयरन कंटेंट, ठीक है, बेसिकली ये आयरन कंटेंट में रिच होती हैं, आयरन कंटेंट, ओके। अब क्या होता है, ये जो लेटराइट सॉइल होती है आपकी, इसका कलर आपसे पूछा जा सकता है, तो इसका जो कलर होता है ये होता है आपका रेड रस्टी कलर, ठीक है। आपको पता है जब हमारा आयरन प्रेजेंट है, इसमें आयरन प्रेजेंट है, उसकी वजह से ये जो कलर होता है वो रेड रस्टी कलर होता है, बिकॉज ऑफ हाई ऑक्साइड कंटेंट, ठीक है, हाई ऑक्साइड कंटेंट की वजह से, हाई आयरन ऑक्साइड कंटेंट की वजह से रेड रस्टी कलर होता है। प्लस जो ये सॉइल है, ये हमारी सॉइल्स की 10% एरिया ऑक्यूपाई करती है लेटराइट सॉइल। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज विच वाटरफॉल इज लोकेटेड ऑन रिवर शरावती, शरावती रिवर पे कौन से वाटरफॉल लोकेटेड हैं? तो ये हैं आपके जॉग फॉल्स, ठीक है। पूछा जा सकता है कि शरावती रिवर है कहाँ पर, ये किधर है, ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं? तो ये आपके ओरिजिनेट और फ्लो, ठीक है, जॉग फॉल्स है कहाँ पर, ये आपके लोकेटेड है 24 किलोमीटर फ्रॉम सागर। अब ये है कहां पर, ये आपका ओरिजिनेट और फ्लो करती है कर्नाटका में, ठीक है, शरावती रिवर कर्नाटका, ये आपको याद रखना है, और इसके ऊपर है आपके जॉग फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यूनिसेफ वॉज एस्टैब्लिश्ड इन, यूनिसेफ एस्टैब्लिश ऑन, कब हुआ था यूनिसेफ एस्टैब्लिश? ये हुआ था आपका 11 दिसंबर 1946, प्लेस न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स, ओके, याद करना है ये आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच स्टेट इज मेंशन इन 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 6th शेड्यूल में कौन से स्टेट्स जो हैं मेंशन है? तो ये हैं आपके ट्राइबल एरियाज, ठीक है, मैंने आपको पिछली स्लाइड्स में भी इसके बारे में बताया था। तो ट्राइबल एरियाज जो कि इन 4 स्टेट्स में है, जैसे कि नॉर्थ इंडियन ट्राइबल एरियाज ऑफ 4 नॉर्थ इंडियन स्टेट्स,
हैं कौन कौन से ये आपके? असम, मेघालय, त्रिपुरा, और मिजोरम। फिफ्थ शेड्यूल एंड सिक्स शेड्यूल, देखिए फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल बेसिकली ये ट्राइबल एरिया से रिलेटेड हैं, ठीक है। अब दोनों में ही ट्राइबल एरियाज हैं, लेकिन जो ये फिफ्थ शेड्यूल है, आपको ये आपको याद रखना है कि फिफ्थ शेड्यूल भी ट्राइबल एरिया से रिलेटेड और सिक्स भी, ठीक है। और इस सिक्स शेड्यूल में आपके जो ट्राइबल एरियाज हैं, चार नॉर्थ इंडियन स्टेट्स के, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये सिक्स में आते हैं, फिफ्थ में नहीं है। फिफ्थ में बाकी शेड्यूल एरियाज आते हैं बाकी स्टेट्स के, और सिक्स में स्पेशली इन चारों के आते हैं। अब मैं आपको एक दिन इसमें भी, अगर मैंने पहले भी स्लाइड ली थी, पहले भी आपको समझा रखा है कि फिफ्थ और सिक्स में डिफरेंस क्यों है, और ये वाले जो चार ट्राइबल एरियाज हैं, जब फिफ्थ शेड्यूल है ही आपका ट्राइबल एरियाज के लिए, तो क्यों इंक्लूड नहीं किया गया, वो भी मैंने आपको बताया। आपको पिछली पुरानी स्लाइड्स में कहीं ये भी मिलेगा देखने को, ठीक है। तो अभी आपको यही ध्यान रखना है कि सिक्स में ये कौन कौन से स्टेट्स हैं। आगे चलते हैं, और किसके तहत ये ऐड हुए थे, ये आर्टिकल 244 के तहत ऐड हुए थे, ये भी आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फाइनेंशियल इमरजेंसी इज इंक्लूडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी है, ये आपके कौन से आर्टिकल, कौन से आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन से आर्टिकल में है? तो ये है आपका आर्टिकल 360। चलिए अब कुछ बात करते हैं कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये जो इमरजेंसी का प्रोविजन है, ये कहाँ से लिया गया है। बेसिकली हमारी तीन टाइप की जो इमरजेंसी है, देखिए फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है, आर्टिकल 352 डील करता है नेशनल इमरजेंसी, और आर्टिकल 356 डील करता है आपका स्टेट इमरजेंसी, या फिर इसको हम प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रेसिडेंट रूल कौन से आर्टिकल में डिस्कस होता है, तो ये है आर्टिकल 356। अब आपसे ये पूछा जा सकता है, इमरजेंसी प्रोविजन जो है, ये इमरजेंसी के प्रोविजन, हर चीज हमने पता है कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा सारा का सारा हमने बाहर से लिया हुआ है, कोई किसी कॉन्स्टिट्यूशन के, कोई किसी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से, तो ये हमने लिया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इमरजेंसी प्रोविजन, इमरजेंसी प्रोविजन आर टेकन फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन, आर टेकन फ्रॉम, या फिर विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन, विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये आपके लिए गए हैं जर्मनी से, ठीक है, जर्मनी से ये लिए गए हैं। अब आपके जो इमरजेंसी के, आपकी इमरजेंसी है, ये आर्टिकल 352 से लेकर 360 में मेंशन किए गए हैं, ठीक है। इमरजेंसी के जो प्रोविजंस हैं, ये इनमें मेंशन किए गए हैं। और पार्ट कौन सा है, पार्ट है आपका 17, ठीक है, पार्ट 18, सॉरी। तो इस पार्ट में जो है ये प्रोविजंस को डिस्कस किया गया है। अब थोड़ा सा फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्या होता है, कब लग सकती है। अब देखिए, जैसे कि आपको अभी पता है कि कोविड-19 का टाइम आया हुआ है, ठीक है। अब इसमें जो हमारी इकोनॉमिक और सोशल सर्विसेज दोनों रुक गई हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ भी कहीं ना कहीं रुक गई है, और आपको पता है पिछले टाइम में जीडीपी भी जो है नेगेटिव में भी गई थी जब हमारा लॉकडाउन हुआ था। तो इस वजह से अब फाइनेंशियल, आप सबको पता है कि एक फाइनेंशियल क्राइसिस की भी जो है एक वो सिचुएशन वो हो गई है, डेवलप हो गई है, क्योंकि जब प्रोडक्शन ही नहीं है, हमारी जीडीपी भी इतना नहीं है, तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल क्राइसिस भी है। बट अब इसी के चलते हुए हमारे जो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट हैं और गवर्नर्स हैं, उन्होंने क्या करा था, क्या सोचा था, उन्होंने डिसाइड किया था कि हम अपनी 30% सैलरी का हिस्सा जो है वो डोनेट करेंगे कंसोलिडेटेड फंड में, इसी चीज को रोकने के लिए, क्योंकि उनको पता था कि अब हम लॉकडाउन की सिचुएशन आएगी, और इस वजह से काफी कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस रोकने के लिए इन्होंने क्या किया कि ये बोला कि 3 साल तक हम इस कंसोलिडेटेड फंड में हम 30% सैलरी अपनी डोनेट करेंगे। अब आपसे ये भी पूछा जा सके, पर अभी क्या हुआ है, अब सब कोई विचार कर रहा था कि क्या हम ये फाइनेंशियल क्राइसिस को डिक्लेयर करें या ना करें, बट निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमने इस सिचुएशन को जो है कंट्रोल कर लिया है, हमने सोच लिया है इसके बारे में कुछ। आपसे ये पूछा जा सकता है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी कौन लगाता है, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी आपका प्रेसिडेंट लगाता है, ओके।
प्रेसिडेंट इम्पोज करता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब अगर प्रेसिडेंट को लगा कि हाँ देश में सच्ची में फाइनेंशियल क्राइसिस जो है आ गए हैं, तो वो क्या करेगा, इस प्रेसिडेंट फाइनेंशियल इमरजेंसी को लागू कर देगा। आर्टिकल 360 से उसको ये राइट है कि वो ये फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू कर सकता है हमारी कंट्री में। बट इसमें एक 44th अमेंडमेंट एक्ट जो है 1978 का, 44th अमेंडमेंट एक्ट, ये मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे रही हूँ, 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978, इसके तहत जो आपका सुप्रीम कोर्ट है वो बोलता है कि अगर ठीक है प्रेसिडेंट ने एक फैसला ले लिया और उसकी सहमति हो गई कि हाँ उसने फाइनेंशियल जो है इमरजेंसी लगा दी, लेकिन अल्टीमेटली जो है फैसला सुप्रीम कोर्ट का भी होता है, क्योंकि ऐसा अगर उसने लगा दी है तो सुप्रीम कोर्ट इसके फैसले को, हमारे प्रेसिडेंट को फैसले को वापस रिव्यू कर सकता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के पास इतना राइट है 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत कि वो इस प्रेसिडेंट के फैसले को वापस रिव्यू कर सकता है। तो आपको बेसिकली जो इसमें जानना था वो यही जानना था कि कहाँ से लिए गए हैं प्रोविजंस जो इमरजेंसी के हैं वो किस किस में हैं, प्लस आर्टिकल आपको जानना जरूरी था। दूसरी चीज आपको एक चीज बताऊं, मैं आगे ही कराऊंगी कभी डिस्कस करना हुआ तो, कि ये जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है, अब मान लो प्रेसिडेंट ने लगा दी तो किस किस तरीके से लगती है, कि उन्होंने लगाई बेसिकली क्या होता है, दोनों हाउसेस को जब से ये आपका बिल जो है रखा जाता है इमरजेंसी का, ठीक है, ये एक्ट रखा जाता है कि हाँ भाई इसको पास करवाना है, तो 2 महीने के अंदर अंदर दोनों हाउसेस को सहमति देनी होती है। तो उसका भी मैं आपको बताऊंगी, बट आगे चलेंगे तभी, अभी यहाँ तक के लिए इतना आपके लिए बहुत है। चलिए, हु वन द दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2018, दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया किसने जाता है, किसको दिया जाता है, देखो ये आपकी फिल्म इंडस्ट्री, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में दिया जाता है। ठीक है, अब ये दिया जाता है आपकी फिल्म पर्सनालिटीज को जो आपके किरदार निभाते हैं अलग अलग, उनके कंट्रीब्यूशन के लिए इंडियन सिनेमा की ग्रोथ में। अब दादा साहिब फाल्के अवार्ड जो है ये किसको दिया गया 2018 में, 2018 में ये प्राइज जो है दिया गया था अमिताभ बच्चन को। ओके, इट वाज गिवन टू अमिताभ बच्चन एंड 66th जो है ये प्राइज अवार्ड सेरेमनी थी। ठीक है, 66th। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो आपकी ये 66th थी, तो 65th में, 65th ये सेरेमनी हुई थी 2017 में, और इसमें विनोद खन्ना जी को दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला था, बट इनको मिला था पोस्थमस। पोस्थमस ये आपसे ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपसे ये पूछा जा सकता है कि दादा साहेब फाल्के को रिसेंटली पोस्थमस अवार्ड किसको दिया गया था, तो वो दिया गया था विनोद खन्ना को। उनकी पोस्थमस होता है मतलब डेथ के बाद जो हम अवार्ड देते हैं, उस टाइम वो प्रेजेंट नहीं होता, उनके बिहाफ पे कोई उनका अवार्ड लेता है। सिमिलरली 1971 में, अभी पोस्थमस की हमने बात करी है, तो 1971 में आपका पृथ्वीराज कपूर को भी, ये प्राइज मिला था पोस्थमस। ठीक है, पोस्थमसली ये प्राइज मिला था। अब हमने 2018 डिस्कस कर लिया अमिताभ बच्चन, 2015 में विनोद खन्ना, और 2016 का भी आपको याद रखना है, 2016 में ये मिला था अवार्ड के विश्वनाथ को, विश्वनाथ को ये अवार्ड मिला था। ठीक है, देन आप कुछ और जो है याद कर सकते हैं, वो ये कि 63rd 2015 में, वैसे इतना पूछेंगे नहीं बट फिर भी आपको याद रखना है, 16 तक हमने कर लिया, 2015 में 63rd अब थे सेरेमनी, ये मिला था आपके मनोज कुमार को, ठीक है, बट ये पोस्थमस ये दो थे, ये पोस्थमस नहीं है। 2015 63rd मनोज कुमार को मिला था, 2014 62nd ये शशि कपूर को मिला था, और 2013 61st ये मिला था गुलजार को। ठीक है, गुलजार। अब आपसे ये पूछा जा सकता है, दादा साहेब फाल्के अवार्ड के बारे में कुछ और डिस्कस करते हैं, कि सबसे पहली बार जो है अवार्ड, ये सेरेमनीज जो हैं कब अवार्ड ये देना शुरू हुए थे, तो इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट है, हाँ जी, इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट है
ये हुई थी 1969 में, ठीक है, 1969। और पहली बार ये अवार्ड किसको मिला था, फर्स्ट विनर जो थी इसकी, फर्स्ट टाइम विनर ऑफ दादा साहेब फाल्के अवार्ड वाज देविका रानी, देविका रानी। एंड आपसे ये भी पूछा जा सकता है टोटल कितने अब तक अवार्ड दिए जा चुके हैं, टोटल 50 अवार्ड जो हैं अब तक दिए जा चुके हैं। दूसरी चीज आपसे ये भी बोला जा सकता है, ये थोड़ा सा आपके एक्स्ट्रा नॉलेज की है, कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड में क्या क्या मिलता है, क्या क्या, ये भी आपको कई बार क्यूरोसिटी रहती है। तो देखो, एक तो स्वर्ण कंबल मिलता है इनको, कमल, सॉरी, स्वर्ण कमल दिया जाता है, नीचे लिखती हूँ मैं, SWARNA, स्वर्ण कमल। सेकंड चीज जो इनको मिलती है, एक कैश प्राइज मिलता है, कितने का, 10 लाख का, 10 लाख का कैश प्राइज मिलता है इनको, ठीक है। एक सर्टिफिकेट दिया जाता है इसमें, सर्टिफिकेट, एक सिल्क की जो है स्क्रॉल और एक सिल्क की शॉल, ये सब चीजें जो है दादा साहेब फाल्के अवार्ड के साथ मिलती हैं। नेक्स्ट उसमें चलते हैं, अब 2020 में जो इंटरनेशनल दादा साहेब फाल्के अवार्ड, इंटरनेशनल फिल्म फेयर वाले, तो उसमें बेस्ट फिल्म का किरदार जो था, बेस्ट फिल्म के लिए दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला था इंटरनेशनल वाले में सुपर टट्टी को, और एक्टर थे ऋषि, ऋतिक रोशन को सुपर टट्टी के लिए मिला था, ठीक है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हु इन्वेंटेड डायनामाइट। तो डायनामाइट जो है आपके एल्फ्रेड नोबल ने इन्वेंट किया था, और कब किया था, 1867 में, ठीक है, एल्फ्रेड नोबल इन 1867। हार्ड डिस्क इज द टाइप ऑफ स्टोरेज, हार्ड डिस्क किस टाइप की स्टोरेज करती है, ये आपकी एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। हम इसको वैसे जाके अटैच करते हैं अपने पीसीज में बाहर से, तो इससे ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, एक उसकी इंटरनल स्टोरेज होती है और ये सेकेंडरी स्टोरेज में आती है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, वेयर वॉज द थर्ड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया हेल्ड, खेलो इंडिया की जो है थर्ड एडिशन कब हुई थी, कहाँ हुई थी, ये हुई थी आपकी गुवाहाटी में, ठीक है, और कब से कब तक, 10 जनवरी 2020 से 22 जनवरी 2020, और कहाँ, गुवाहाटी असम में खेलो इंडिया सेरेमनी जो है हेल्ड हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं आपके राकेश कुमार सिंह भदौरिया, राकेश कुमार सिंह भदौरिया इज चीफ ऑफ एयर स्टाफ, और इन्होंने कब ओथ ली थी, कब आए थे, कब, ये हुए 30 सितंबर 2019 में जो है ये चीफ एयर स्टाफ बने थे। सो आई गेस दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, गुड बाय, टेक केयर, कीप प्रिपेयरिंग, स्टे होम एंड स्टे सेफ। आई एम सॉरी, एक क्वेश्चन और है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ये आपके जनरल मनोज मुकुंद नरवाने, ठीक